हम जब भी मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली मुंबई जाते हैं तो हमें वहां की एक सुविधा बेहद पसंद आती है। इस सुविधा का नाम है मेट्रो, लेकिन अब भोपालियों का भी मेट्रो में सफर करने का सपना पूरा होने जा रहा है। लंबे समय से भोपाल मेट्रो के शुरू होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है, मंजूरी दिए जाने के 57 महीने बाद अब इसका ट्रायल रन नजदीक है। दिल्ली की तर्ज पर ही भोपाल में भी मेट्रो चलेगी। इस कोच को आप देख सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही है जैसा दिल्ली और बॉम्बे या अन्य मेट्रो सिटीज़ में जो कोच दिखाई देते हैं खड़े रहने के लिए। ये लीवर होता है पकड़ने के लिए और ये कुछ चेयर्स इसी तरह की होती हैं जो कम से कम थोड़े बहुत यात्री इन चेयर्स पर बैठ सकते हैं। ये जो मेट्रो है, ये जो मॉडल रखा गया है, इसको कहेंगे कि ऑरेंज। दो रूट तय किए गए हैं भोपाल में, ऑरेंज और ब्लू, ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन। ये ऑरेंज लाइन का एक कोच का मॉडल है जहाँ करोच चौराहे से आपको एम्स भोपाल तक दिख रहा है। ये ऑरेंज रूट रहेगा भोपाल शहर में जो करोच चौराहे से एम्स की तरफ जाएगा। एक जो ब्लू रूट बनाना है मेट्रो को, वो रत्नागिरी से भदभदा चौराहे तक जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल डिक्टो वैसी ही मेट्रो है जो मुंबई और दिल्ली में चलती है। पिछले दिनों भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल मेट्रो के मॉडल कोच को अनवील किया। इस मॉडल कोच को जनता के लिए भी खोल दिया गया है। यह मॉडल श्यामला हिल्स के स्मार्ट पार्क में है। भोपाल मेट्रो के लिए शुरुआती चरण में 3 रेल कोच दिए जाएंगे। हर कोच में करीब 250 पैसेंजर के बैठने की व्यवस्था होगी। सितम्बर में इसका ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। ये भोपाल मेट्रो का स्मार्ट सिटी स्टेशन है, यानी कि स्मार्ट सिटी पार्क में इस मॉडल को रखा गया है। ये वही मॉडल है, मेट्रो का वही मॉडल है जो भोपाल शहर में चलने वाली है। और दो रूट तय किए गए हैं, एक करोच चौराहे से एम्स तक होगा और एक जो है रत्नागिरी से दूसरे रूट पर जाएगा, यानी भदभदा चौराहे तक जाएगा। मेट्रो की ऑरेंज लाइन में 2 अंडरग्राउंड स्टेशन भोपाल और नादरा बस स्टैंड के साथ 14 एलिवेटेड स्टेशन है, जिनमें स्टेशन एम्स, अलकापुरी, डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति, एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस, केंद्रीय विद्यालय, सुभाष नगर, पुल बोगदा, एशबाग, सिंधी कॉलोनी, डीआईजी बंगलो, कृषि अपुज मंडी और करोच चौराहा है।